भारत के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन काल में बनाए गए किले आज भी राजा महाराजाओं नवाबों की याद दिलाते हैं और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समेटे खड़े हैं। यह अपने समय की प्रचलित संस्कृति सभ्यता और भवन कला से रूबरू बनाते हैं जो आज भी इनमें मौजूद हैं। इनमें से कुछ किले ऐसे हैं जो आज भी देश दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। यह किले बेहद खूबसूरत हैं और अपने खतरनाक और खौफनाक कहानियों के लिए देश दुनिया में शुमार हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे किले के बारे में बताएंगे जहां आज तक कोई किलों के अंदर नहीं पहुंच पाया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित किराडू मंदिर। कहते हैं वर्षों पहले किराडू में एक तपस्वी पधारे, इनके साथ शिष्यों की एक टोली थी। तपस्वी एक दिन शिष्यों को गांव में छोड़कर देशाटन के लिए चले गए। इस बीच शिष्यों का स्वास्थ्य खराब हो गया। गांव वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की। तपस्वी जब वापस किराडू लौटे और अपने शिष्यों की दुर्दशा देखी तो गांव वालों को साफ दे दिया कि यहाँ के लोगों के हृदय पाषाण के हैं, वह इंसान बने रहने योग्य नहीं है, इसलिए सब पत्थर के हो जाएं। आज भी लोग बताते हैं कि यहाँ साधु का सांप बना हुआ है और शाम ढलने के बाद कोई भी यहाँ नहीं ठहरता। राजस्थान में किराडू मंदिर के अलावा एक किला है जिसे स्थापित माना जाता है। इस किले के बाहर भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से चेतावनी लगाई गई है कि रात के समय किले में प्रवेश वर्जित है। यह बदनाम किला है भानगढ़ का किला। कहते हैं इस किले को एक तांत्रिक का सांप है। तांत्रिक के सांप की वजह से यह किला रातों रात वीरान हो गया, ऐसा माना जाता है। कहते हैं किले में उस तांत्रिक का सांप आज भी कायम है और कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। हालांकि इस शहर में कोई नहीं रहता क्योंकि अब यह शहर पूरा का पूरा खंडहर में बदल चुका है। यहाँ का एक किला और महल सबसे ज्यादा स्थापित माने जाते हैं। भानगढ़ के किले को आमेर के राजा भगवान दास ने 1573 में बनवाया था। यहाँ बाजार, गलियां, हवेलियां, महल, कुएं और बावड़िया तथा बाग बगीचे आज सब कुछ हैं, लेकिन सबके सब खंडहर हैं, जैसे एक ही रात में सब कुछ उजड़ गया हो। पूरे शहर में एक भी घर या हवेली ऐसी नहीं है जिस पर छत हो, लेकिन मंदिरों के शिखर आत्मुग्ध खड़े दिखाई देते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से 18 किलोमीटर की दूरी पर पिठौरिया गांव में राजा जगतपाल सिंह का किला है। इस किले को स्थापित माना जाता है। कहते हैं राजा जगतपाल ने क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ नाथ सहदेव के खिलाफ अंग्रेजों का पक्ष लेते हुए गवाही दी थी, जिसे क्रांतिकारी विश्वनाथ नाथ सहदेव को मौत की सजा मिली। मरते हुए सहदेव ने साफ दिया कि जगतपाल का किला वीरान हो जाएगा और इस पर बिजली गिरेगी। उस सांप के कारण किले पर वर्षों से बिजली गिरती आ रही है। अब इसे चमत्कार कहें या अंधविश्वास, लेकिन एक शहर में एक ऐसा स्थान भी है जहां जाकर लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं। कोई कहता है कि इस शहर पर किसी भूत का साया है तो कोई कहता है कि इस शहर पर एक साधु के सांप का असर है। यहां के सभी लोग उसके सांप के चलते पत्थर बन गए थे और यही वजह है कि आज भी उस सांप के डर के चलते लोग वहाँ नहीं जाते हैं। लोगों में अब वहम बैठ गया है। राजस्थान में बाड़मेर के पास किराडू शहर का आखिर सच क्या है? राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ऐसा गांव है जहां के मंदिरों के खंडहरों में रात में कदम रखते ही लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं। हालांकि किसी ने यह जानने की हिम्मत नहीं की कि क्या सच में यहां रात रुकने पर वह पत्थर बन जाएगा। तभी तो आज तक इसका रहस्य बरकरार है। कैसे जान पाएगा कोई कि अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे कारण क्या है? भारत में शोध और रिसर्च को न तो बढ़ावा दिया जाता है और न ही सरकार इस पर कोई खर्च करती है, तो आज भी देश का इतिहास इसी तरह खंडहरों में दफन है। आसिरगढ़ का किला। कहते हैं यहाँ स्थित शिव मंदिर में महाभारत काल के अश्वत्थामा आज भी पूजा अर्चना करने आते हैं। आसिरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के शहर के 20 किलोमीटर दूर स्थित है। कहते हैं कि जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग में एक निश्चित तिथि तक भटकते रहने का साथ दे दिया था। यही कारण है कि पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा आज भी भटक रहे हैं। उनके बारे में कई जगहों पर उनके देखे जाने की जनश्रुतियां प्रचलित हैं। उसी में से एक आसिरगढ़ का किला सबसे ज्यादा प्रचलित है। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।